हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी? आशा करता हूँ आप सभी ठीक होंगे, अच्छे होंगे। मेरा नाम है सुधीर। आज हम पढ़ेंगे वर्ब एंड फ्रेजल वर्ब। तो देखिए, एक बच्चा है जिन्होंने मुझे पैसे सेंड करे थे, तो उनका नाम है जगन्नाथ। जगन्नाथ कुंडू, जगन्नाथ कुंडू जी ने मुझे पैसे सेंड किए थे। और इन्होंने कितने सेंड किए थे मुझे? 100 रुपीज़ सेंड किए थे। ठीक है, तो चलिए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे हमें क्या भरना है? ऑक्सिलरी वर्ब्स भरने हैं, यानी कि हेल्पिंग वर्ब्स भरने हैं। हिज आई साइट इज वीक, उसकी आई साइट वीक हो चुकी है। ही डैश टू वियर ग्लासेस, तो यहाँ पे क्या होगा? ही हैज वियर, ही हैज़ टू वियर ग्लासेस। टू नंबर, यू डैश बी सीरियस अबाउट स्विमिंग आउटडोर्स इन विंटर, तो इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, कांट। क्वेश्चन नंबर थ्री, दे डैश टॉकिंग एट द टॉप ऑफ देयर वॉइस एंड डिस्टर्ब अस, तो इसका आंसर क्या होगा? वर। आई गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग एंड सो डैश माई सिस्टर, तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे? डज। क्वेश्चन नंबर फाइव, फॉर्चुनेटली द ओल्ड कार डैश नॉट ब्रेक डाउन ऑन द वे, तो इसका आंसर क्या होगा? यहाँ पे हम भरेंगे ऑप्शन नंबर बी, किटी कैट एंड मिकी माउस डैश आर नॉट लिव इन द सेम हाउस, तो क्या हो जाएगा? डिड। क्वेश्चन नंबर सेवन, हाउ डैश आई टेल द फ्यूचर इट इज ऑलवेज अनसर्टेन, तो यहाँ पे हो जाएगा कैन। यहाँ पे क्या लिखेंगे हम? कैन भरेंगे। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर एट, टेक केयर दिस वॉल डैश अबाउट टू कोलैप्स, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? इज। नाइन नंबर है, डैश यू विल गेट सून, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? मे यू गेट वेल सून। टेन नंबर, यू प्लीज वेट फॉर सम टाइम आई एम बिजी, तो यहाँ पे लिखेंगे कुड यू प्लीज वेट फॉर सम टाइम। इलेवन नंबर क्वेश्चन है, यू डैश नॉट यूज़ अदर्स टॉवल एंड टूथब्रश, तो यहाँ पे हम यूज़ करेंगे मस्ट, तो सेंटेंस क्या बनेगा? यू मस्ट नॉट यूज़ अदर्स टॉवल एंड टूथब्रश। क्वेश्चन नंबर ट्वेल्व, ही डैश बी वेरी रिच दोस डे, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? यूज टू। क्वेश्चन नंबर थर्टीन, यू डैश नॉट टू टॉक वाइल द टीचर इज टीचिंग, तो यहाँ पे हो जाएगा ऑट, यानी कि जब टीचर पढ़ा रहे हों तो आपको बात नहीं करनी चाहिए। 14 नंबर, इट इज़ गुड दैट यू डैश कम, वी वर एक्सपेक्टिंग यू, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? यू के साथ लगता है हैव, तो हो जाएगा इट इज़ गुड टू गुड दैट यू हैव कम, वी वर एक्सपेक्टिंग यू। क्वेश्चन नंबर 15, मोनालिसा डैश पेंटेड लियोनार्डो द विंची, तो यह क्या जाएगा? वॉस। तो मोनालिसा की पेंटिंग किसने? लियोनार्डो द विंची ने बनाई है। अब यहाँ पे आते हैं, यहाँ पे आपको सुटेबल वर्ब जो है वो भरना है। तो देखिए, इट इज़ इम्पॉर्टेंट दैट ऑल एम्प्लॉयज डैश इन देयर प्रॉपर यूनिफॉर्म बिफोर 6:30 AM, तो देखिए यहाँ पे क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए, बी ड्रेस्ड। क्वेश्चन नंबर 17, द कोच इंसिस्टेड दैट रोनाल्डो प्ले डैश सेंटर पोजिशन इवन दो ही इज टू शॉर्ट फॉर द पोजिशन, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? प्लीज, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 18, माई मदर वुड नो वॉट टू डू ओनली इफ सी बी हियर विथ नाउ, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? वर। क्वेश्चन नंबर 19, आई डैश फॉर पेन टू राइट अ लेटर, तो क्या हो जाएगा? आई एम लुकिंग। क्वेश्चन नंबर 20, इफ ही डैश गो ओवर हिज लेसन यस्टरडे ही वुड हैव पास द एग्जाम विथ फ्लाइंग कलर्स, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, हैड गॉन ओवर। अब देखिए, फ्रेजल वर्ब इसका मीनिंग आपको बताना है। पुट अवे का मतलब क्या होता है? ऑप्शन नंबर डी, टू पुट समवन एट द प्रॉपर प्लेस आफ्टर यूज, मतलब कि इसका मतलब ये है कि जब आप कोई काम कर लेते हैं, कोई सामान उठाते हैं, तो अपना काम खत्म करने के बाद उस चीज़ को उस जगह पे आप प्रॉपर प्लेस पे रख दीजिए।
अगला है आपका लुक फॉर। लुक फॉर का मतलब क्या होता है? टू सर्च फॉर समथिंग और समबडी, यानी कि आप किसी को खोज रहे हैं या किसी सामान को खोज रहे हैं। लेट ऑफ का मतलब क्या होता है? टू फ्री फ्रॉम पनिश, यानी कि पनिशमेंट से आपको क्या कर दिया गया है? फ्री कर दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 24, कम अक्रॉस। कम अक्रॉस वर्ड का मतलब क्या है? तो इसका मतलब है टू मीट फाइंड बाय चांस, तो मतलब कि आपको कोई मिल गया अचानक से, चांस से, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 25, ब्रिंग अप। ब्रिंग अप वर्ड का मतलब क्या होता है? ऑप्शन नंबर सी, टू रेज समवन अप टू एडल्टहुड। इसका मतलब क्या हो गया कि अब आप बड़े हो रहे हैं, एडल्टहुड में आप पहुँच गए हैं। ब्रेक डाउन का मतलब क्या है? टू स्टॉप वर्किंग बिकॉज ऑफ ए फॉल्ट, ठीक है। कोई काम हो रहा है लेकिन इसके वजह से क्या हो गया, फॉल्ट की वजह से वो काम रुक गया। अब इसका है नोज अराउंड। नोज अराउंड वर्ड का मतलब यहाँ पे क्या है? तो यह है टू स्नीक अराउंड, ऑप्शन नंबर डी। ड्रॉप समवन ऑफ, इसका मतलब क्या होता है? टू लेट समवन आउट ऑफ अ व्हीकल एट अ पार्टिकुलर प्लेस, यानी कि किसी व्यक्ति को विशेष जगह पे छोड़ के आना, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 29, गेट ऑन वर्ड का मतलब क्या है? ऑप्शन नंबर ए, टू हैव ए फ्रेंडली रिलेशनशिप। क्वेश्चन नंबर 30, गिव अप का मतलब क्या है? स्टॉप डूइंग समथिंग। क्वेश्चन नंबर है आपका 31, यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन आपको भरना है, ठीक है। तो क्या होगा? यू डैश काम डाउन वरी लेस, तो यहाँ पे हो जाएगा नीड टू, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 32 पे आते हैं, द कैप्टन डैश अंडरस्टूड द सिनेरियो बाय नाउ, तो हो जाएगा मस्ट हैव। स्ट्राइक ऑफ वर्ड का मतलब क्या है? टू रिमूव फ्रॉम लिस्ट, ऑप्शन नंबर सी। पास वन सेल्फ ऑफ, इसका मतलब क्या है? टू शो ऑफ। अक्रॉस द बोर्ड, इसका मतलब क्या है? टू ऑल विदाउट एक्सपेक्टेशंस, ऑप्शन नंबर ए। तो दोस्त यहाँ पे वीडियो खत्म होता है। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट में लिख के बताइएगा। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।